नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिरुपति ज्ञानवाणी के हिंदी ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, आज मैं हिंदी का वीडियो या हिंदी का पार्ट नंबर 4 लेके आया हूं। तो दोस्तों प्लीज इसके पिछले वाला वीडियो को देखकर ही आप यदि इसको देखेंगे तो शायद और अच्छा समझ में आएगा। तो मैं बताते चलूँ कि इसके पहले जो तीन वीडियो समाप्त हुए हैं उसको जो है उसमें जो है हम लोगों ने स्वर को उच्चारण के आधार पर स्वर को समाप्त कर लिया था। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्यंजन और आयोगवा, व्यंजन और आयोगवा वर्ण। तो दोस्तों व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन ऐसे वर्ण, हिंदी के ऐसे वर्ण है जिनको जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है और जिसकी सहायता जिसको बोलने के लिए हम स्वरों की सहायता लेते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इनकी टोटल संख्या कितनी है? 39 है। कितनी है? 39 है। आप लोग नोट कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसे वर्ण जिनका अस्तित्व नहीं होता है तथा जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 39 होती है। हम लोग पुनः व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण यहाँ पे करेंगे। व्यंजन को जो है तीन तरीकों से बांटा गया है, तीन रूप में बांटा गया है। इसमें स्पर्श व्यंजन की संख्या 33 है, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, द्वित या द्विगुण वर्णों की संख्या जो है 2 है। इसे अरबी वर्ण भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, यदि आपको कहीं भी शब्दों में ये दो वर्ण मिल जाए, यदि ये दो वर्ण है शब्दों में मिल जाए तो समझिएगा वो जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चंस में आते हैं कि किस भाषा का शब्द है, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा अरबी है, तुर्की है, या फ्रेंच है, या फिर संस्कृत का है। तो यदि धा अड़ा ये दो वर्ण मिल जाए किसी शब्द में तो वे किस भाषा के शब्द कहलाएंगे? अरबी भाषा के। रही बात स्पर्श व्यंजन की, तो स्पर्श व्यंजन में दोस्तों स्पर्श व्यंजन में जो है टोटल संख्या 33 है। पुनः स्पर्श व्यंजन को भी तीन भागों में बांटा गया है। एक है वर्गीय 25 है, अंतस्थ 4 है और उसमें संघर्षी 4 है। दोस्तों स्पर्श व्यंजन उसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन उसे कहते हैं जो वर्ण को बोलते समय, ऐसे वर्ण को बोलते समय हम जब कंठ का, ताल का, दंत का, ओष्ठ का ज्यादा प्रयोग करते हैं तो ऐसे वर्णों को क्या बोला जाता है? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या तो टोटल कितनी है? 33 है। इसी प्रकार से संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन देखिए दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त व्यंजन मतलब कि ऐसे व्यंजन वर्ण जो दो वर्णों के मेल से बने हैं या दो वर्णों के संधि से बने हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। यहाँ पे मैंने दर्शाया भी है एक वर्गाकार आकृति में, देखिए छा जो है आधा का और खट्टी सा से मिलकर बना हुआ है, त्रा जो है आधा ता धन रा मिलकर बना हुआ है। इसी प्रकार आप लोग देखेंगे ज्ञा जो है, यहाँ पे ज्ञा को थोड़ा अच्छे से बना लीजिए, यहाँ ज्ञा जो है आधा जा और इया से मिलकर बना हुआ है। उसी प्रकार से सा जो है आधा सा और जो है आधा सा और रा से मिलकर बना हुआ है। तो दोस्तों आप लोग शब्दों को पकड़िए, याद करने की जरूरत नहीं है, रखने की जरूरत नहीं है, शब्दों को पकड़िए। इस दोस्तों क्या है ना, इस संसार में जिसको शब्द ही सब कुछ है, कोई भी किसी भी भाषा का यदि आप लोग शब्द पकड़ ले रहे हैं तो उसको आसानी से कोई भी जो है बुक हो, इतिहास, भूगोल, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, इंग्लिश, जो भी हो सब आसानी से जो है समझा जा सकता है। शब्द को पकड़िए, यदि शब्द ये बना हुआ तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई भी शब्द, दुनिया का कोई भी शब्द हो, किसी भी देश का, कोई भी भाषा का शब्द हो, यदि शब्द की उत्पत्ति हुई है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई
बेस है, जिसके आधार पर है, जिसके बेस पर उसका नाम रखा गया है। आप लोग पढ़ते होंगे इतिहास, इतिहास, बीता हुआ समय, जीव विज्ञान, है ना, जीव से तमाम ऐसी जो है परिभाषाएं दी जा सकती हैं। अब बात करते हैं वर्गीय की। वर्गीय में दोस्तों टोटल 25 वर्णों को रखा गया है, देख ही सकते हैं आप लोग, गिन भी सकते हैं, का खा गा खा अंगा चा छा जा छा इया चा छा जा छा इया और टा ठा डा ढा आड़ा ता था दा ढा ना पा फा बा फा मा। दोस्तों यहाँ पे हम नासिक लिखना भूल गए हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। ये जो है नासिक व्यंजन बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन वर्ण, नासिक व्यंजन वर्ण। तो जो अंतिम वर्ण है उन्हीं को समूह को क्या बोलते हैं, नासिक वर्ण बोलते हैं। यहाँ पे आगे देखिए अंतस्थ में बांटा गया, अंतस्थ जो है इनकी संख्या चार होती है, कौन कौन होते हैं, या रा ला वा, या रा ला वा। दोस्तों अंतस्थ किसे कहते हैं, अंतस्थ, अंतस्थ यहाँ पे शब्द क्यों आया, क्योंकि आप लोग देखेंगे यदि इन चारों वर्णों को यदि आप लोग बोल करके देखिए, या रा ला, आप लोग महसूस करते होंगे इसको बोलते समय की जब कि हम लोग जब इसका बोलते बोलते इसको इन वर्णों को बोलते हैं तो जो है जो बाहर का वायु है वो हम लोग क्या करते हैं, अंदर खींचते हैं, अंदर है खींचते हैं, बोल करके देखिए, या मतलब बाहर का वायु जो है अंदर जा रहा है कि नहीं, देखिए अंतमिस क्या अंत, अंतमिस यहाँ पे अंतस्थ लिखा हुआ है, अंतमिस अंदर, अस्त मतलब खींचना, वायु मतलब बाहर के वायु का अंदर जो प्रवेश, उसी के नाम पर पड़ा रखा गया नाम अंतस्थ व्यंजन, उसी के नाम पर पड़ा क्या, अंतस्थ व्यंजन। फिर से आप लोग एक बार बोल के देखिए, देखिए या बोलिए, या रा ला, वायु अंदर खींच रहे हैं कि नहीं खींच रहे हैं, अंदर वायु खींच रहे हैं ना, बस यही कंसेप्ट है, इसी को हमको सीखना है, इसीलिए इसका नाम है मैं क्या रखा गया है, अंतस्थ मतलब वायु को खींचना। इनकी संख्या टोटल कितनी है, चार। बारी आती है दोस्तों उसमें असंघर्षी की, यहाँ पे उसमें वर्ण की संख्या कितनी है, चार है, कौन कौन है, बड़ा सा है, खट्टी सा है, सा है और हा है। अब बात आती है इसका नाम उसमें क्यों पड़ा, इन चारों वर्णों का नाम उसमें या संघर्षी क्यों पड़ा, आप लोगों ने सीखा सीखे होंगे आप लोग जो है, उसमें मतलब क्या, उसमें मतलब गर्म, उसमें मतलब क्या गर्म है, और संघर्षी मतलब, संघर्षी मतलब कह सकते आप लोग रगड़ खाना, संघर्ष मतलब क्या रगड़ खाना। उसमें क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम इन लोगों को इन इन वर्णों का जब हम लोग उच्चारण करेंगे, जब हम इन चारों वर्णों का उच्चारण उच्चारण करेंगे तो देखेंगे कि जो वायु है वो जो है गर्म के साथ बाहर निकलती है, गर्म वायु बाहर निकलती है ना, हो तो बोल करके देखिए आप लोग, हाँ अजमाइए देखिए, बोलिए सब लोग एक बार साथ में बोलिए, हाँ बोलिए, बड़ा सा, हाथ ऐसे करके भी दीजिए, अनुभव होगा जो गर्म है वायु निकलेगी उसका हमें आभास होगा, हाथ लगाकर ऐसे आप लोग चेक करिए, बोल के देखिए, अभी देखिए, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा निकल रहा है कि नहीं गर्म वायु, उसी के आधार पर रखा गया है उसमें व्यंजन वर्ण। संघर्षी क्यों रखा गया है, क्योंकि हम लोग जब इन वर्णों को बोलेंगे तो हम लोग एक चीज और इसमें पाएंगे कि जो है जो जिह्वा का, जो जिह्वा का, ये जो जिह्वा का जो अग्रभाग है, जो तालु का ऊपर वाला अग्रभाग है, वो दोनों आपस में क्या करते हैं, आपस में रगड़ते हैं या स्पर्श करते हैं, या दोनों जो है कह सकते हैं आप लोग संघर्ष करते हैं इस वर्ण को उच्चारण के लिए, इस वर्ण को उच्चारण के लिए क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, उसी के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया है, संघर्ष भी रखा गया है। उसमें भी क्यों, क्योंकि बोलते समय वायु गर्म निकलती है, और संघर्षी क्यों, क्योंकि बोलते समय जो तालु का अग्रभाग है और जिह्वा का अग्रभाग है दोनों आपस में क्या करते हैं, रगड़ खाते हैं, क्या खाते हैं, रगड़ खाते हैं। आप लोग सब सीख ही चुके हैं, संयुक्त तो मैं बता ही चुका हूं, और छा का तो हो ही गया है,
ठीक है दोस्तों, ये हमारा व्यंजन और अयोगवाक जो है, यहाँ पे व्यंजन पूर्ण होता है, बात आती है अयोगवाक वर्ण की, तो अयोगवाक वर्ण की हम यहाँ पे चर्चा कर दे रहे हैं। व्यंजन हो ही गया है, अब हम अभी इसको बता चुके हैं, अभी हम बता दें अयोगवाक को, थोड़ा सा अयोगवाक के बारे में हो जाए और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा उच्चारण के आधार पर वर्णों के प्रकार। अयोगवाक, अयोगवाक वर्ण दोस्तों, अयोगवाक वर्ण जो है दो होते हैं, अंग अनुस्वर और अनुस्वर, अनुस्वर और जो है विसर्ग, अनुस्वर और क्या है विसर्ग, विसर्ग वर्ण, ये क्या है अनुस्वर वर्ण। कौन कौन है, एक अंग है, एक अंग है और एक क्या है आ है। तो दोस्तों हम लोग व्यंजन पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा अयोगवाक बना दे रहे हैं, अयोगवाक पूरा होने के बाद हम लोग जो है उच्चारण के आधार पर वर्णों के प्रकार यहाँ पे खत्म कर देंगे। इसके पहले हम लोगों ने स्वर को पढ़ लिया था, है ना, व्यंजन को पढ़ लिया, अब अयोगवाक को देख ले रहे हैं। तो अयोगवाक जो है ऐसे वर्ण, अयोगवाक ऐसे वर्ण है, ऐसे वर्ण है जो ना तो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और ना ही व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं अयोगवाक वर्ण कहलाते हैं। इसे नपुंसक वर्ण भी बोला जाता है, लिख लीजिए आप लोग, ना हो आप लोग लिख लीजिए अयोगवाक वर्ण, अयोगवाक वर्ण, अयोगवाक वर्ण ऐसे वर्ण, ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, बोले जाते ना ही ना तो स्वर की और ना तो व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं उन्हें आयोग वा, उन्हें आयोग वा वर्ण, अयोगवाक वर्ण, अयोगवाक वर्ण कहते हैं। इनका इसका अन्य नाम, इन्हें नपुंसक वर्ण, नपुंसक वर्ण भी कहते है। दोस्तों आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं, अयोगवाक ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ना तो स्वर की सहायता बोले जाते हैं, ना ही व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे वर्ण को क्या कहते हैं अयोगवाक, या क्या कहते हैं नपुंसक वर्ण बोले कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक कंप्लीट हुआ जो है वर्ण के प्रकार उच्चारण के आधार पर। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे जो है तारत्व के आधार पर वर्णों के प्रकार, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।